हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने सीड डोरमेंसी को पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी डोरमेंसी के क्या रीजंस हैं वो पढ़े थे। आज हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या थी सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी में सीड जर्मिनेशन में जो डिले शो करता है, डिले इन जर्मिनेशन, इसे डोरमेंसी कहते हैं, प्रक्षिप्तावस्था कहते हैं। प्रक्षिप्तावस्था कहते हैं। अब ये जो डिले है, डिले का मतलब लेट, देरी, देरी, ये जो प्रक्षिप्तावस्था है, ये सीड के मैच्योर होने से लेके उसके जर्मिनेट होने तक जो उसमें देरी हो रही है उसे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सीड कहाँ चला जाता है, डिले क्यों शो कर रहा है? क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि सीड उस समय रेस्टिंग फेज में चला गया है। क्या कर रहा है वहाँ पे ये? इसने अपनी सारी जो एनिमेशन एक्टिविटीज थी इन्हें स्टॉप कर दिया। दैट इज, एनिमेशन एक्टिविटी में क्या आता है? रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज थी ये रुकी हुई हैं। अब जो सीड के जर्मिनेशन, मैच्योर होने से जर्मिनेट होने तक में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं प्रक्षिप्तावस्था काल। ओके, तो इसे सीड डोरमेंसी या सीड सस्पेंशन भी कह सकते हैं आप। समझ आया होगा, ये मैंने लास्ट क्लास नहीं समझाया था कि सीड के जर्मिनेशन में जो टाइम लग रहा है उसे कहते हैं प्रक्षिप्तावस्था, और ये जो टाइम है इसे, इस पीरियड को, टाइम पीरियड को प्रक्षिप्तावस्था काल कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सीड उस समय रेस्टिंग फेज में चला गया है, उसने वहां पर अपनी जितनी भी एनिमेशन एक्टिविटीज थी उनको स्टॉप कर दिया। एनिमेशन एक्टिविटी यानी सजीवन क्रियाएं जो उसके जिंदा रहने को बताती हैं, एज लाइक रेस्पायर नहीं कर रहा, किसी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये सब हमने पढ़ा था। अब ये जो प्रक्षिप्तावस्था काल है ये 1 सेकेंड से लेकर बहुत आर्ट्स तक का, यानी कि मैनी आर्ट्स तक, कई घंटों का, और 1 आर से लेके कई दिनों तक, 1 दिन से लेके कई सालों तक का हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। एंड ये जो है स्पीसीज टू स्पीसीज एंड जीनस टू जीनस वेरी करता है। ओके, अब होता क्या है कि इनके अंदर इसने अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर दी है और सीड डोरमेंसी पीरियड में चला गया है। सीड को डोरमेंट कंडीशन में बनाए रखने में हेल्प कौन सा हार्मोन करता था? वो था एब्सिसिक एसिड। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एब्सिसिक एसिड की अधिकता हो जाती है, ABA की, और ये एब्सिसिक एसिड की अधिकता क्या करती है? ये एक हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि पादप हार्मोन, जो कि सीड को उसकी डोरमेंट कंडीशन में, प्रक्षिप्तावस्था में बनाए रखने में हेल्प करता है। और जब ये लीच आउट हो जाता है, लीच आउट यानी कि धुल जाता है या वाइप आउट हो जाता है बारिश से, पानी देने से, किसी भी रीजन से, तब वो सीड जर्मिनेट होने लगता है और उस समय उसमें जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन
साइटोकाइनिन की अधिकता हो जाती है, मेनली जिब्रेलिक एसिड की। तो ये मैंने आपको बताया था। अब एक टर्म हमने और अच्छी पढ़ी थी, वो थी वाइविपेरी, जो कि मैंग्रोव्स में मिलती है। जो कि दलदल में उगते हैं, जहाँ स्वैम्पी एरिया होता है। अब ये जो मैंग्रोव्स हैं, इन मैंग्रोव्स में क्या होता है, वाटर लोज्ड कंडीशन होती है। जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ पर वाटर लोज्ड कंडीशन होती है, यानी पानी बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है सॉइल में, क्योंकि वहाँ पे क्ले टाइप की सॉइल है जिसमें एयर पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस बहुत कम है। इस वजह से जो सीड्स होते हैं मैंग्रोव के, वो वाइविपेरी सो करते हैं, वो क्या करते हैं अपने मदर प्लांट पर ही ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि सीड को जब वो जर्मिनेट होंगे तब ऑक्सीजन चाहिएगी और ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, तो वो अपने मदर प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को वाइविपेरी कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव्स के अंदर मिलती है, यानी कि इनके अंदर डॉर्मेंट स्टेज आपको नहीं मिलेगी। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे सीड ग्रो होकर छोटा सा सीडलिंग बन जाता है, तब ये अपने मदर प्लांट से डिटैच होंगे, और डिटैच होने के बाद ये ग्रो करेंगे। ये आपको मैंने इतना रफ इसलिए समझाया है क्योंकि ये आपका काम का नहीं है, वर्ड जो है वो ये काम का है खाली, और किसके अंदर पाया जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब सीड डॉर्मेंसी में हमने दो टाइप की सीड डॉर्मेंसी पढ़ी थी, एक थी प्राइमरी और एक थी सेकेंडरी। प्राइमरी डॉर्मेंसी क्या होती है, प्राइमरी डॉर्मेंसी में सीड जर्मिनेट नहीं होता है। सीड डॉर्मेंसी हमने दो टाइप की पढ़ी है, एक है प्राइमरी डॉर्मेंसी, एक है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। प्राथमिक प्रसुप्तावस्था, द्वितीयक प्रसुप्तावस्था। अब प्राइमरी डॉर्मेंसी में क्या होता है कि सीड डिले करता है जर्मिनेशन में, तो इसे कि सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसमें देरी लगा रहा है, तो इसे प्राइमरी डॉर्मेंसी कहेंगे। लेकिन सीड तो जर्मिनेट हो गया, और जर्मिनेट होने के बाद सीड क्या बनाएगा, जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये क्या बनाता है, सीडलिंग, छोटा सा पादप, नन्ना प्लांट इस तरह से। और अब ये सीडलिंग अगर फर्दर ग्रोथ में, अपनी आगे की जो ग्रोथ है वेजिटेटिव ग्रोथ, उसमें डिले सो करे, डिले इन फर्दर ग्रोथ, तो अगर ये अपनी फर्दर ग्रोथ के अंदर डिले करे तो इसे सेकेंडरी डॉर्मेंसी कहेंगे। तो फर्स्टली हम प्राइमरी डॉर्मेंसी को हमने देखा था कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो पढ़ते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। प्राइमरी डॉर्मेंसी के अंदर अगर रीजंस की बात करें, किस किस वजह से हो रही थी ये, तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी डॉर्मेंसी किस में हो रही है, सीड को जर्मिनेट होने में दिक्कत हो रही है ना, दैट मीन प्राइमरी डॉर्मेंसी सीड के आसपास ही घूमेगी। जैसे कि फर्स्ट, अगर सीड कोट के कारण हो, ड्यू टू सीड कोट, बीज चोल के कारण। अब बीज चोल कैसा कैसा हो सकता है, हो सकता है सीड कोट हार्ड हो इसलिए स्ट्रांग हो,
थिक हो, इम्परमेबल हो, इस तरह से। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने पढ़ा था इम्परमेबल टू वाटर था एक, जिसमें हमने नीलम्बो न्यूसिफेरा को लिया था, कमल, इनके नीचे अंडरलाइन करना। नीलम्बो न्यूसिफेरा। और दूसरा जो सेकंड था वो गैसेस के लिए, जिसमें हम जेंथियम लेते हैं, गोक्रू बड़ा वाला, जो कि ऑक्सीजन के लिए क्या था, इम्परमेबल था। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके साथ साथ सीड कोट का और क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि जो सीड कोट है वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस शो करता हो, रेजिस्टेंस शो करता हो, यानी कि उसको किसी ना किसी तरह से आपको यांत्रिक रूप से प्रेशर करना होगा। लाइक उसे हम नीलम्बो की सीड्स को क्या करते थे, घिसते थे, या फिर इसे हम एसिड में डाल सकते थे। तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए या तो हम उनको मैकेनिकली प्रेशराइज कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें किसी भी हैमर से या पत्थर वगैरह से आप तोड़ सकते हो, ब्रोक कर सकते हो, इसके अलावा आप उनको एसिड से ट्रीट कर सकते हो ताकि उनके जो हार्ड सीड कोट है वो थोड़ी नरम पड़ जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें वाटर वगैरह में डिप करके रख सकते हैं, या एंजाइम से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, जिसमें एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर आप सॉर्गम का, ज्वार। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं जिसमें हमें पढ़ना था। हाँ, इसके अंदर हमने एक सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था कि ड्यू टू एम्ब्रियो कंडीशन, कि एम्ब्रियो की वजह से हो सकता है कि वो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा हो, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती थी। फर्स्ट कि वो बिल्कुल ही ना बना हो, पूरी तरह से इनकम्प्लीट हो एम्ब्रियो। सेकंड, पार्शियली इनकम्प्लीट हो, आधा ही बना हो एम्ब्रियो इसलिए नहीं ग्रोथ कर रहा हो। थर्ड, उस एम्ब्रियो के ऊपर जो सीड कोट है वो थोड़ा हार्ड हो, यानी कि वो इतना हार्ड है कि एम्ब्रियो उसको रप्चर करके बाहर नहीं आ पा रहा है। इसके साथ ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें कि हो सकता है सीड के अंदर ड्यू टू सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, सीड के अंदर उस ऐसे संदमक पाए जाएं, इनहिबिटर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संदमक। क्या होते हैं इनहिबिटर? इनहिबिटर जो किसी भी काम को करने से रोकें। आपको कोई पढ़ने से रोकता है, दैट मीन वो आपके लिए स्टडी का इनहिबिटर है, वो तो आपके फोन के अलावा और है नहीं कोई। चलिए, तो ड्यू टू सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर में सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड, जैसा कि मैंने बताया हर सीड के अंदर, सारे ही सीड के अंदर जब सीड मैच्योर होता है तब वहां पर एब्सिसिक एसिड आ जाता है, इसकी अधिकता हो जाती है, हाईली प्रेजेंट होता है ये मैच्योर सीड में, जो कि इसे इसके डॉर्मेंसी पीरियड में बनाए रखता है, ये इसे इसे डॉर्मेंसी पीरियड में बनाए रखता है। और ये क्या है? एब्सिसिक एसिड, जो कि एक पादप हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है,
ओके इसके अलावा जब सीड जर्मिनेट होने वाला होता है तो वहाँ पे जिब्रेलिन की अधिकता होती है। ये भी पादप हार्मोन है जो कि ये क्या करता है, ये सीड के जर्मिनेशन को एनहेंस करता है, यानी कि इस पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, उसे बढ़ाता है, और एबीए सीड के जर्मिनेशन पे अपना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसके अलावा हम एग्जांपल लें अगर इसमें, तो उसमें जो टमेटो है, इस टमेटो में फेरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये फेरुलिक एसिड क्या करता है, ये एक सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह हेल्प की तरह काम करता है और सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। इसीलिए जब टमेटो किसी भी एनिमल की, ह्यूमन बींग की, किसी भी लिविंग की एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट होता है तब उस पर क्या हो जाता है, कुछ एंजाइम्स एंड एसिड्स जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं उनसे वो एक्सपोज होगा और उसकी सीड कोट सॉफ्ट हो जाती है और जो उसके अंदर फेरुलिक एसिड होता है ये भी कम हो जाता है। इस तरह से वो जर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा जेंथियम के अंदर भी सीड इनहिबिटर्स को देखा गया है। चलिए यहाँ तक खत्म हुआ, अब हम आज का स्टार्ट करते हैं कि सीड इनहिबिटर किसकी रीज़न की वजह से हैं, लाइट एंड टेम्परेचर की वजह से। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लाइट की बात करें तो हर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। ये रिकॉल इसलिए कराया है मैंने आपको ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है और आप भूले नहीं इसे। स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट, हर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइट चाहिए होती है। जैसा कि अगर हम प्लांट की बात करें तो हमें कौन सी लाइट चाहिए होती है प्लांट में, विजिबल लाइट ग्योर, जो इंद्रधनुष में कलर दिखते हैं आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब प्लांट के अंदर रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और ब्लू के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लाइट किस, ये किस तरह की लाइट चाहिए, यूवी, इंफ्रा, इन सब में से विजिबल, अल्ट्रा या फिर फार रेड, जो भी लाइटें होती हैं उस पूरी रेंज में से हमें विजिबल लाइट चाहिए होती है, जिसमें भी ये वाली। और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 400 टू 700 nm नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद में अब हर प्लांट को अलग अलग लाइट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुछ को ब्लू चाहिए, कुछ को येलो। तो मेनली जो लाइट यूज़ की जाती है इन सब में से वो होती है रेड, फोटोसिंथेसिस होता है इसमें सबसे ज़्यादा, फिर ब्लू एंड देन ग्रीन। इसके बाद में जो लाइट है उस लाइट की एक वेवलेंथ होती है, तो ये वेवलेंथ हो गई कि किस वेवलेंथ की लाइट चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि उसका ड्यूरेशन कितना हो, इंटेंसिटी क्या हो, कितनी तीव्रता चाहिए उसकी, ये सब एक प्लांट के लिए लाइट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि लाइट के लिए पॉजिटिव होते हैं, उन्हें हम, जो भी प्लांट लाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम पहले तो फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। फोटोब्लास्टिक सीड्स यानी ऐसे सीड्स जो कि लाइट के लिए अपने आप की ग्रोथ, या कह सकते हो आप उनकी जो पूरी लाइफ है वो इस लाइट पे डिपेंडेंट है, फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक एंड नेगेटिव फोटोब्लास्टिक।
पॉजिटिव में लाइट जब उनकी ग्रोथ को या जर्मिनेशन को इंक्रीज करें तो पॉजिटिव, और जब इनहिबिट करें रोके उनका जर्मिनेशन या ग्रोथ तो इसे नेगेटिव कहते हैं। यहां तक पॉइंट समझ में आया? अब हम जो ये स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट है इसको एक बार अच्छे से नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं, जिसमें लाइट एंड टेम्परेचर दोनों का पॉइंट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन लर्न करते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।